हाय फ्रेंड्स, मिनल्स किचन एंड मोर में आपका स्वागत है। आज हम कुछ रेसिपी तो नहीं बना रहे हैं, बल्कि आज मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ ट्रिक्स लाई हूँ। ये मेरा नया बर्तन है, किचन में इसका स्वागत है। ये मैंने अभी रिसेंटली खरीदा है, बिकॉज इसके फायदे बहुत होते हैं। जब भी हम कुछ खाना वाना बनाते हैं, जनरली हम एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हैं। स्टील एंड ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। आज मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसमें क्या ध्यान रखना है आपको। जब आप पहली बार इस्तेमाल करते हैं तो इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है। और दूसरी बात ये है कि मैंने ये लाया इसलिए है, बिकॉज़ अगर आपने देखा होगा, हमारे गाँव में आज भी कई सारे लोग हैं, बुजुर्ग हैं, या पहले के जो लोग थे वहाँ पर गाँव में, हम जब छोटे थे तब जाते थे तो देखा होगा कि जनरली बहुत सारे खाना वाना जो बनाते थे वो मिट्टी के बर्तनों में बनाते थे। मिट्टी का तवा, मिट्टी का ये कढ़ाई या एक बड़ा सा मटका होता है। इनफैक्ट आज भी अगर आप देखोगे तो मटका जो वहाँ पर यूज़ होता है तो पानी के लिए, तो वो वहाँ पर कंपलसरी मटका ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली इसके पीछे रीज़न ये है कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आप देखोगे कि जो बुजुर्ग है वो काफ़ी हेल्दी रहते हैं, काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। हम सोचते हैं यार इतना कहाँ से इतनी एनर्जी लाते हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। मैंने सोचा चलो क्यों नहीं शुरुआत कर ली जाए। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन खरीदा है और इसमें मैं सब्जी वब्जी बनाने का सोच रही हूँ। तो इसको सबसे पहले कैसे इस्तेमाल करना है, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करें। कोई जनरली सिर्फ धो के और उसको उस पर सब्जी वगैरह बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और जनरली क्या होता है उसकी वजह से वो टूट भी जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, बहुत ही सावधानी से इसको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 24 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखेंगे। इसके अंदर भी पानी डालेंगे, प्लस इसको मैं एक टब में रखूंगी जिसमें पानी भरा हुआ होगा। तो इसको 24 आवर्स के लिए रखना है। तो चलिए हम इसको रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो, इसको मैंने एकदम अच्छे से पानी में भिगो के रख लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे इसमें मैंने पानी डाला तो बहुत ही अच्छी स्मेल आई है। ऐसे लग रहा है जैसे कि वाह, पहली बार कहीं बारिश होती है और किस तरह से उसमें खुशबू आती है मिट्टी की, बस उसी तरह से। इसको हम 24 आवर्स के लिए ऐसे ही रखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमने 24 घंटे के लिए इसको एकदम अच्छे से भिगो के रखा था, तो अब हम इसको खाली कर देंगे और इसको एकदम अच्छे से वॉश करेंगे हम लोग टैप के नीचे। धोने के बाद इसका लीकेज चेक करने के लिए इसमें पानी भर के 1 घंटे के लिए स्टैंड पर रख देंगे। अगर सही है तो इसे हम खाली करके धूप में सुखा देंगे। फ्रेंड्स, यू कैन सी ये हमारा जो पॉट है एकदम अच्छे से सूख चुका है। इसको मैंने धूप में सुखाया था, तो लगभग 2 से 3 घंटे तक इसको मैंने सुखाया अच्छे से। अब सूख जाने के बाद अब हम इसमें चावल का पानी है वो गर्म करेंगे। चावल का पानी गर्म करने से इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, बट हमें स्लो फ्लेम पे इसको गर्म करना है। इस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे इसको गर्म करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए, इसमें मैंने चावल का पानी डाल दिया है। तो चावल का पानी मैंने चावल को धो के भी डाला है, प्लस चावल पकाते वक्त उसमें से जो पानी लास्ट में बचता है या इन बिटवीन उसमें से पानी निकाला है, तो वो स्टार्च भी इसमें डाला है और थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसको हम स्लो फ्लेम पर एकदम आराम से गर्म करेंगे ताकि हमारा ये जो पॉट है वो और भी अच्छे से मजबूत हो जाए। तो इसको स्लो फ्लेम पे करना है, और जल्दी गर्म करने के लिए इस पर मैं एक ढक्कन रख दूंगी, तो आप इस तरह से ढक सकते हो और इसको होने देंगे हम लोग गर्म। चावल का पानी इसमें गर्म करने से ये और भी मजबूत हो जाता है और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसको और भी लंबे समय तक चलाने के लिए आप इसमें चावल का पानी डाल के ज़रूर गर्म कीजिए। और अब इसके बाद आप इसमें सब्जियां बना सकते हो। उसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें फ्लेम स्लो पे ही रखना है, फुल फ्लेम पे नहीं बनाना है, कम से कम 6 से 7 दिन तक। और एल्स कम से कम 7 बार या 8 बार आप इस्तेमाल करते हो तो तब तक आप इसको स्लो फ्लेम पे ही बनाइए, और उसके बाद आप अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने मेरे सारे इंपॉर्टेंट टिप्स फॉलो किए हैं, और उसी तरह से आप अपने मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल कीजिए, हेल्दी खाना खाइए,
और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और भी बहुत सारे वीडियोस अभी आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।